गाइस अभी पूनम आ गई है यहाँ पे और पूनम का मैं देख रहा था कि वर्क फॉर टुडे जो है ना 13 अगस्त 2022। वाह बेटा डिजाइन है वो। गाइस अभी लखन और नीतू आ गए घर के अंदर में और आते के साथ में सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने उल्टे काम स्टार्ट कर दिए भाई। हेलो महा कामचोर। अभी अपने कुछ चलो अभी दिखाते हैं आपको। तो भाई यहाँ पे डिनर टाइम हमारा डिनर स्टार्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा वो सारी बातें छोड़ ये बता बता दे किसी की अगर टाइट पैंट रहती है, टाइट टी शर्ट रहती है, टाइट सूट रहता है तो उसका अगर पेट बाहर निकले तो समझ में आता है, लेकिन तेरा तो सूट भी ढीला था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ मास्टर जी और घुमक्कड़ों की इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस आज मैं और मेरी माता रानी, मेरी माता जी, मेरी मम्मी, हम लोग जा रहे हैं आज मम्मी का संडे मनाने के लिए। बेसिकली अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के एक फ्रेंड के घर पर जो कि मम्मी के बचपन की दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड। और मतलब जैसे जैसे बड़े हो जाते ना यार, जैसे हम लोगों ने भी कॉलेज छोड़ा तो कॉलेज के दोस्तों के साथ में बहुत ही कम मिलना हो पाता है, कभी कभी मिलना हो पाता है, यही वाला सीन है। तो ऐसी सेम एज इट इज़ मम्मी और की लाइफ के अंदर में, ठीक है। तो उन लोगों का भी बहुत ही कम कभी कभी मिलना हो पाता है, ठीक है। तो आज जा रहे हैं उनके घर पर मिलने के लिए और फिर उसके बाद जाएंगे हम वहाँ से आगे मम्मी के एक ऑफिस की फ्रेंड है उनसे मिलने के लिए। आज का जो दिन है संडे जो है वो मम्मी के लिए है, मम्मी को डेडिकेट कर दिया। गला थोड़ा सा मेरा बैठा पड़ा है यार, क्योंकि अभी हाल ही में मेरे स्कूल के टूर्नामेंट चल रहे थे और बैंड बजी पड़ी है गले की इस समय बच्चों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के। मेरी माताश्री हमारी हेलो गाइस। तो भैया देख लो भाई, ऐसी होता है हेलो गाइस स्टार्ट हो जाता है जैसे ऐसे कैमरा मुंह के आगे आता है ना भाई। मम्मी एक्साइटेड हो मिलने के लिए आंटी से? हां आज मैं अपने फ्रेंडों से मिल के आऊंगी। एक बचपन की फ्रेंड है और एक ऑफिस की फ्रेंड है। खाते हैं आपको थोड़े से रास्ते और उसके बाद उनके घर पहुंच के मिलवाते हैं आंटी जी। जैसे आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले देखा ही होगा मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक पहला जो माइलस्टोन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है, बटन्स को लेके रिलेटेडली यूट्यूब के। मैंने अप्लाई कर दिया था उसके लिए और वो डिलीवर हो चुका है मेरे पास में, आ चुका है, ठीक है, लेकिन मैंने उसका अनबॉक्सिंग नहीं किया। अभी मेरे दिमाग के अंदर में ये चल रहा था यार, 1 महीने से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करा था। उसके पीछे का रीज़न, 2-3 रीज़न थे उसके पीछे के। पहला रीज़न ये था यार कि बेसिकली मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था जब मैंने अपना मनाली वाला ट्रिप कम्प्लीट किया था और उसके बाद चैनल के अंदर में बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। उस समय थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था मैं, ठीक है, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आते, लेकिन वो पार्ट ऑफ मतलब क्या बोलते हैं यूट्यूब जर्नी है भाई, कि अप डाउन्स आते रहते हैं उसके अंदर में। फिर उसके बाद खुशी हुई कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हुए तो उसके बाद फिर छूट मतलब एकदम से मैंने क्या करा, मैंने अप्लाई कर दिया कि मेरे को बटन के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं 10-15 दिन के अंदर में आपको वो टाइम लेता है, रिव्यू करता है वो आपके चैनल का। उसके बाद अगर आपका जेन्युइन सारा प्रोडक्शन रहता है उसके अंदर में तो आपको ठीक है, आपको एक पिन मिल जाता है, वो पिन आता है आपके पास में। तो सेम एज इट इज मेरे साथ में भी रहा, 10-15 दिन के बाद मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, पिन आ गया था मेरे पास में मेल के थ्रू। तो मैंने वो पिन विन सारी सारी चीजें डाली उसके अंदर में और मेरा सिल्वर प्ले बटन मेरे को 2-3 दिन पहले मिला। तो जैसे ही आता है भाई सबके सब वीडियो जो है वो बनाने लग जाते हैं, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अभी आप देख रहे हो मम्मी और मैं जो है जा रहे हैं इस समय आंटी के घर पर। हमारे साथ में रश्मि नहीं है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 महीना होने वाला, 17 तारीख को 1 महीना हो जाएगा रश्मि को अपने घर गए हुए, ठीक है। और जो हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं यार जिसके अंदर में हम लोगों को 1 महीने तक एक दूसरे से नहीं मिलना होता, तो 1 महीना हो गया, मतलब इट्स अ लॉन्ग टाइम कि भाई रश्मि से मैं नहीं मिला हूँ। फ़ोन वोन पे बातें तो हुई हैं हमारी, लेकिन मिलना नहीं हो पाया। तो मैंने यही प्लान किया है कि जब रश्मि आएगी तो मम्मी मैं और रश्मि, ठीक है, हम लोग मिलके जो है उसको अनबॉक्स करेंगे और आप लोगों को, आप लोगों के सामने अपने YouTube
प्ले बटन को जो है वो प्रेजेंट करेंगे। बढ़िया यार, एक महीने की उसको भी छुट्टी मिल गई, अपने घर वालों के साथ में रहने को मिल गया। कुछ कुछ ऐसे रिचुअल्स जो होते हैं मेरे को मतलब कहीं पे अच्छे भी लगते हैं, कहीं कहीं पे मतलब थोड़ा ऐसे ही रहता है। तो बढ़िया है, मतलब ठीक है। तो ये वाला सीन है यार, जो इतने टाइम से वीडियोज नहीं आ रही थी मेरी, तो अब जो है अब आपको रेगुलर कंटेंट जो आपको देखने को मिलता है। आप आंटी जी से मिल कर दो, आंटी को बाय बाय तो कर दो। बाय बाय आंटी जी, खड़ी हो रही है सामने। चलो आंटी जी बाय। चलो कैसा लगा मम्मी मिलके? बड़ा अच्छा लगा, सुंदर लगा है। चलो जी सीट बेल्ट लगा लेते हैं पहले एक बार, है ना? सीट बेल्ट लगा लेते हैं। निकल रहे हैं आंटी के इधर से। माता रानी को मिलवा के एक बारी उनकी फ्रेंड से, काफी देर हो गई मतलब तक अप्रोक्सीमेटली हम एक डेढ़ घंटा बैठ गए थे यहाँ पे। तो मम्मी और आंटी जी ने काफी अच्छे से बात बात करी। अब थोड़ा सा ये काफी टाइम के बाद मिल रहे थे तो मैंने अंदर का कुछ शूट वूट नहीं करा, ठीक है जी। तो मेल मिला के अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ग्रेटर नोएडा के लिए। नोएडा कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर आप लोगों को पता चली जाएगा। मम्मी को सेकंड दोस्त के पास में, उनके ऑफिस वाली, मतलब बहुत सालों से ऑफिस में भी नहीं मिले हैं, काफी साल हो गए इन लोगों को ना मिले हुए, है ना। तो ये नजारे के मजे ले रहे हैं भाई, यहाँ पे खड़े हो गए दोनों के दोनों ग्रेटर नोएडा के, और काफी सुंदर लग भी रहा है भाई इस समय, मौसम काफी अच्छा हो रखा है, और गोल्फ की प्रैक्टिस चल रही है सामने। घूमने वाले घूमने के लिए भी ठीक है, जो घूम सकता है। देखो इसी में तो रहती सामने मोम कोर्ट में। हाँ दिव्या, कैसे हो आप? ठीक है भैया। क्या हुआ आपको? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मम्मी हो गई बात है आंटी से, अब चले। दिव्या तू क्या कर रही है ये बता, तू क्या स्पेशल बना रही है हमारे लिए? पढ़ा ही नहीं है वो, उसका वो है वर्क फॉर टुडे। दिव्या लगी पड़ी है गेम खेलने में, अभी कितने जीती हार गई। दिमाग वाले गेम में हार जाती है थोड़ी सी। यहाँ की बसिंदा हो जाएगी उस दिन ले जाएगी। बासिंदा 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 उर्दू का शब्द है क्या? मेरे को लगा संस्कृत का है मम्मी। कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस अभी पूनम आ गई है यहाँ पे, और पूनम का मैं देख रहा था कि वर्क फॉर टुडे जो है ना 13 अगस्त 2022। वाह बेटा, डिजाइन है वो। अच्छा हमको सिखा रही है। भाई सही लेके, इससे पहले नीतू क्या लिख के गई थी यहाँ पे? नीतू लिख के गई थी लेजी पूनम, मैंने लिख दिया एक्टिव पूनम। और पूनम मेरे को मोमोज खिलाने के लिए लेके गई थी, काफी सारे मोमोज खिला दिए, पेट बाहर निकल गया कसम से, इतना ज्यादा हो गया ना यहाँ पे अभी। और ये देखो ये एकदम फिट है भाई, पूरा सुबह उठ के सुबह उठ के योगा करती है, 4:30 बजे उठ जाती है, सुबह उठ के योगा स्टार्ट कर देती है। भाई अभी मोमोज लेकर आए हैं घर वालों के लिए, घर वाले मोमोज खाएंगे, फिर उसके बाद कहीं पे कोई वार्ड वार्ड खाली होगा पागल गाने के अंदर को तो बताना भाई, एक भेजना हमने यहाँ से। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मटर पनीर बना रखा भाई, अभी मटर पनीर खाएंगे, है ना। गाइस अभी लखन और नीतू आ गए घर के अंदर में, और आते के साथ में सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने उल्टे काम स्टार्ट कर दिए। ये तो लिख के गई है कौन, दिव्या कामचोर लिख के डाल के यहाँ पे नीतू, ये पीएनएम पूनम, पूनम की फोटो बनाई हुई भाई बहुत जबरदस्त तरीके से। ये आ गई यहाँ पे हमारी नीतू रानी। हाय भाई, हेलो। नहीं उल्टे काम थे किसके? मामा कामचोर। अभी अपने कुछ नीतू क्यूट, ये तो देखिए तो सबको पता, कुछ और ऐसी चीज लिखने जो सबको ना पता हो। नहीं नहीं। दिव्या ये बता तो नीतू के फेस के आगे क्या बना के गई थी अभी? सोता हुआ इंसान। वाह भाई वाह, तालियां। कौन सा सोता हुआ इंसान के आगे? दो एग्जांपल लेते हैं गाइस, एक सेकंड ये देखो, सोता हुआ इंसान ऐसे सोता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं सब रब कर देती हूँ। हाँ ये कर लो पहले, तू मेरी इंट जरा कम खत्म करो, समझ गए? रुक ना देख, और पुर्जे गिरा दिए उसने। दो इंसान होते हैं, एक नीतू के उसमें तो और एक दिव्या।
ये दिव्या का फेस, इसमें उसने मेरा फेस कुछ ऐसा बनाया था, और ये दिव्या का फेस ऐसे 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 कुछ किया था। अब कोई इंसान सो रहा है तो पहली बात तो वो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, अच्छा, और ऐसे स्माइल करके सोएगा, और अगर वो खनाटे ले रहा तो ऐसे ऐसे करके लेगा। इन सब्जेक्ट के अंदर कौन फेल होता है भाई? ये दिव्या है जो कि है कामचोर, और ये नीतू है, और ये नीतू है जो कि महाकामचोर। नीतू का इसने यू के बजाय सी लिख दिया, महाकामचोर, तो ढंग से लिख महाकामचोर। तो भाई यहाँ पे डिनर टाइम हमारा, डिनर स्टार्ट हो गया। भाई आंटी ने काफी बढ़िया बढ़िया आइटम बनाए हुए थे यहाँ पे, और सबसे ज्यादा मैंने करेला खाया, आंटी का बनाया हुआ बहुत बढ़िया करेले में। अरे बहुत बढ़िया, आपने क्या क्या बनाया लखन भाई? ये सब मेरे ही बनाया हुआ, लेकिन मैंने प्लीज मेरा नाम काट देना उसमें से ना। अच्छा, मैं आपका नाम काट दूंगा। अगर कमेंट में कोई रेसिपी के बारे में पूछेगा तो पक्का बताना फिर मैं आपको। अच्छा वो बात सारी बातें छोड़, ये बता साइड पर नहीं रुकता यार, फ्रंट से करता हूं मैं लोगों से, खाते रहता हूं नहीं करती। एक चीज बता दे, किसी की अगर टाइट पैंट रहती है, टाइट टी शर्ट रहती है, टाइट सूट रहता है, तो उसका अगर पेट बाहर निकले तो समझ में आता है, लेकिन तेरा तो सूट भी ढीला तब भी पेट बाहर निकल रहा है। दिव्या इसका तो जवाब दे दे। नहीं बता दे, बता दे, डेढ़ प्लेट मोमोज खा कर आई हूँ, डेढ़ प्लेट बता तो दे, प्याज भी एक्स्ट्रा मांगा था बाद में। एक यहाँ अलग चल रहा है खेल, वो भी बोर हो गया वहां पे पीछे खड़ा हो गया। क्या दिव्या बता दे, चलो सब जानना चाहते हैं क्या। बात क्या चल रही है पूनम यहाँ पे? नहीं यहाँ पता बात क्या चल रही होगी यहाँ पे, कहाँ पे कैसे ढीले सूट के अंदर भी पेट है? पूनम वाली बात बता दे एक बार। भाई अंदर है, ये देखो ये देखो ये देखो, मैं दिखा देती हूँ भैया का पेट बिल्कुल अंदर, अंदर है, है। और यहाँ पर देखो बैठ के तो भैया तंदुआ लग रहा है। होता है पता नहीं जो भी होता है, लेकिन कुछ फनी होता होगा शायद। ये तो मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है? अब ये समझ में आ रहा मार कौन किसको रहा है, कौन किसको मार रहे थे लोग यार। पूनम ला कैमरा पकड़ा दे, तू भी चली जाओ तेरी जा। सारी चीजें एक तरफ, रुचि एक तरफ भाई। तेरे को ले 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 मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाँ ये मैं इसी पेट की बात कर रहा था जो दिख रहा है साइड में से, ये अंदर कर दिया जो पेट, इसी पेट की बात हो रही थी। गजब बेइज्जती है। मैं उसको नहीं, उसकी जो डिनर खत्म होता है, बहुत ही अमेजिंग डिनर था, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसने होस्ट किया था? इतना लखन भाई ने। थैंक यू, मैंने होस्ट किया था। लखन भाई को पता नहीं था आपको रेसिपी चाहिए हो, मुझे तो बाय, मिलते हैं जल्दी, जल्दी पक्का। आशरा तो पेट टच कर लेता। तो पेट टच करने का भाई, जिसका पेट ऐसा निकला रहता है ना भाई, उसके पास में बहुत पैसा आने वाला होता है। इसका तो 6 महीने से निकला है, अभी तक तो नहीं आया। 6 महीने नहीं, अभी तो अभी तैयार नहीं जा रहे हो। चलो जी, वीडियो को यहीं पर एंड। आपको कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना। बाय बाय बाय। मेरी छेला पेटू पाको।